चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। स्टेट फंक्शन अगर आप मोबाइल पे क्लास ले रहे हो तो ऑटो रोटेट ऑन करके इसे हॉरिजॉन्टल रखिएगा। पेज नंबर 1 लास्ट टाइम हमने सिस्टम और सराउंडिंग के बारे में पढ़ा है। ये थर्मोडायनामिक्स का टॉपिक है, हम थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं। तो इसमें एक है स्टेट ऑफ ए सिस्टम, स्टेट ऑफ अ सिस्टम कहते हैं सिस्टम की एक ऐसी कंडीशन जहां बहुत सी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जैसा कि प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, उनकी डेफिनेट वैल्यूज हो। स्टेट ऑफ अ सिस्टम कहते हैं सिस्टम की एक ऐसी कंडीशन जहां पर जो वेरियस मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, उनकी एक डेफिनेट वैल्यूज आ जाएं। अ कंडीशन ऑफ द सिस्टम व्हेन वेरियस मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम ऑफ सिस्टम हैव डेफिनेट वैल्यूज इज कॉल्ड स्टेट ऑफ अ सिस्टम। जैसे इनिशियल स्टेट होता है, जैसे कहते हैं इनिशियल टेम्परेचर है,
ये इनिशियल टेम्परेचर है, ये फाइनल टेम्परेचर है, ये इनिशियल वॉल्यूम है, ये फाइनल वॉल्यूम है, ये इनिशियल प्रेशर है, ये फाइनल प्रेशर है, इसे कहते हैं स्टेट ऑफ ए सिस्टम। एग्जाम्पल इसकी ये है, when there happen changes in system, when there happen changes in system, then there many the initial state or final state. यहां पर ये कहा जा रहा है when there happen change in system, एक सिस्टम में जब कोई चेंज आती है तो वहां पर बहुत सी इनिशियल स्टेट होती हैं और बहुत सी फाइनल स्टेट होती है, वहां पर इनिशियल स्टेट होती है और वहां पर फाइनल स्टेट होती है, बल्कि यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है। When there happen change in system, then there can be initial state or final state. तो वहां पर initial state और final state होती है। और जैसा कि कल हमने macroscopic system में macroscopic properties का पढ़ा कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं। अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को शुरू करते हैं, बल्कि एक और टॉपिक है, एक मिनट में एक और बुक ओपन कर लो। अब यहाँ पर एक और सब लाइन में टॉपिक है स्टेट फंक्शन, जिसको जरा डिस्कस करते हैं। अभी पहले स्टेट फंक्शन, क्योंकि ये स्टेट ऑफ सिस्टम से लिंक्ड है। अभी जो हमने स्टेट ऑफ सिस्टम को यहाँ पर कुछ डेफिनेशन की हैं, इसी को थोड़ा सा रिवाइज करते हुए हम स्टेट फंक्शन की तरफ जाएंगे। अब थर्मोडायनामिक सिस्टम इज सेट टू बी in a certain state, मीन्स सिस्टम की कोई थर्मोडायनामिक सिस्टम की कोई खास हालत होती है,
when all its properties are fixed, जब उसकी सारी की सारी properties fixed हो जाएं. A thermodynamic system is said to be in a certain state when all its properties are fixed, जब उसकी सारी properties fixed हो. अब ये कौन सी properties हैं जो fixed हो? The fundamental properties, which determine the state of a system are pressure. वो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज जो किसी भी सिस्टम की स्टेट को मेजर करती हैं वो प्रेशर होता है, टेम्परेचर होता है. सर फंडामेंटल क्या? फंडामेंटल का मतलब है कि वो बेसिक प्रॉपर्टीज जो किसी भी सिस्टम को मेजर करती हैं. यानी हम फिजिकल केमिस्ट्री में या केमिस्ट्री में हम जब भी कोई सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो हम उसका या तो कहते हैं इसका प्रेशर ज्यादा है, गैस है तो उसका प्रेशर की बात करते हैं, टेम्परेचर की बात करते हैं, वॉल्यूम की बात करते हैं. यानी हम जब साइंस में केमिस्ट्री में किसी सिस्टम की बात कर रहे होते हैं तो हम या तो उसका प्रेशर देखते हैं या उसका टेम्परेचर देखते हैं कि टेम्परेचर कम है या ज़्यादा है, या इसका वॉल्यूम अगर वो कोई ऐसी चीज़ है तो उसका वॉल्यूम देखते हैं. इस तरह के हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब एक दूसरे को देखते हैं तो हम तो उनकी भी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि उसका अखलाक कैसा है, उसका करेक्टर कैसा है, अखलाक कैसा है, इस तरह की चीज़ों से मेजर कर रहे होते हैं. वो सोफिस्टिकेटेड कितना है, वो पढ़ा लिखा कितना लगता है, बात कैसे करता है, इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को मेजर, उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं. लेकिन जब हम साइंस में किसी सिस्टम को देख रहे हैं तो हम यहीं पर यहाँ पर हम क्या चीज़ मेजर करते हैं, प्रेशर उसका क्या है, टेम्परेचर उसका क्या है, वॉल्यूम क्या है, मास क्या है, कंपोजिशन क्या है. द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज विच डिटरमिन द स्टेट ऑफ सिस्टम आर प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मास एंड कंपोजिशन. रिएक्टेंट्स की कंपोजिशन देख लेंगे, रिएक्टेंट्स का मास देख लेंगे, उनका वॉल्यूम देख लेंगे, इस तरह चीज़ों को मेजर करेंगे. ये हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टीज जो किसी भी सिस्टम की स्टेट को बताती हैं. अगर इन प्रॉपर्टीज में कोई बड़ी चेंज आ जाए, अगर इन प्रॉपर्टीज में कोई बड़ी चेंज आ जाए तो क्या होता है? अ चेंज इन मैग्नीट्यूड, अ चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ सच प्रॉपर्टीज अल्टर्स the state of system, alter the state of system. अगर इन properties के magnitude में change आ जाए तो इससे system की state बदल जाती है. कोई system है, इसका volume है 20, इसका volume हो जाता है 100, तो इसके volume में, इसके volume के magnitude में एक change आ गई, इससे सिस्टम की स्टेट बदल जाएगी. सिस्टम की वो स्टेट नहीं रहेगी जो वॉल्यूम 20 पे थी. अ चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ सच प्रॉपर्टीज अल्टर्स, अल्टर्स का मतलब होता है तब्दील हो जाना, अल्टर द स्टेट ऑफ सिस्टम. दिस आर रेफर्ड टू इनको हम कहते हैं स्टेट फंक्शन. स्टेट फंक्शन भी कहते हैं इसका दूसरा नाम, स्टेट वेरिएबल्स भी. अभी इनके एग्जांपल देखते हैं. स्टेट वेरिएबल्स भी कहते हैं
और इनको हम थर्मोडायनामिक पैरामीटर भी कहते हैं, थर्मोडायनामिक पैरामीटर। आगे चलते हैं जी। ये कोई जरूरी नहीं है, वो कहता है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि किसी भी सिस्टम को कम्प्लीटली डिफाइन करने के लिए हम उसकी सारी प्रॉपर्टीज को बताएं, हम सिस्टम का टेम्परेचर भी बताएं, प्रेशर भी बताएं, वॉल्यूम भी बताएं। किसी सिस्टम को कम्प्लीटली डिफाइन करने के लिए किसी सिस्टम की, जैसे देखें कोई कोई बंदा है, हम उस बंदे के बारे में कुछ किसी से पूछते हैं कि कैसा बंदा है, तो कहते हैं कि ये बड़ा कर्टियस है, बड़ा एमिकेबल है, बड़ा डाउन टू अर्थ है, सोफिस्टिकेटेड है, तो ये उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज कहलाएंगी। कोई बंदा है तो भी कैसा बंदा है जी, बड़ा रूड है, बड़ा अग्रेसिव है, बहुत जल्द टेम्परामेंट लूज कर जाता है, ये उसकी प्रॉपर्टीज कराएंगे। लेकिन जब हम सिस्टम की बात करेंगे कि कैसा सिस्टम है, हम कहेंगे उसका प्रेशर क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या है, उसकी एनर्जी क्या है। तो यहाँ पर ये जो प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है, एनर्जी क्या है, ये कहलाते हैं स्टेट फंक्शन, स्टेट वेरिएबल। किसी सिस्टम की स्टेट को बताना है। It is not necessary to state all the properties. जिन्हें हम स्टेट फंक्शन कह रहे हैं, स्टेट फंक्शन। To define a system completely. किसी सिस्टम को कम्प्लीटली डिफाइन करने के लिए जरूरी नहीं है कि उसकी सारी प्रॉपर्टीज बताई जाएं। एग्जांपल इसकी ये है कि अगर हम कोई प्योर गैस लेते हैं, फॉर ए प्योर गैस, अगर कोई प्योर गैस लेते हैं, प्योर गैस का मतलब कैसी गैस, अगर ऑक्सीजन गैस है तो उसमें ऑक्सीजन ही होगी, उसमें कोई नाइट्रोजन हाइड्रोजन की और गैस नहीं होगी। ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर है, प्योर ऑक्सीजन गैस है तो उसमें ऑक्सीजन गैस ही होगी, नाइट्रोजन गैस है तो उसमें नाइट्रोजन गैस ही होगी, दूसरी गैस की मिक्सचर नहीं होगा, फॉर प्योर गैस। उसकी जब हम कहते हैं कि प्योर गैस है तो उसे अब प्योर गैस है तो इसकी जो स्टेट है वो कैसे बताई जाएगी, उसकी कंपोजिशन, इसका उसकी कंपोजिशन फिक्स रहेगी, द कंपोजिशन इज फिक्स्ड ऑटोमेटिकली, द कंपोजिशन इज फिक्स्ड ऑटोमेटिकली। फॉर ए प्योर गैस द कंपोजिशन इज फिक्स्ड, यानी प्योर गैस है तो उसकी कंपोजिशन फिक्स रहेगी, अगर ऑक्सीजन गैस है तो उसमें ऑक्सीजन ही होगी, उसमें नाइट्रोजन नहीं आ जाएगी, अगर नाइट्रोजन आती है तो कंपोजिशन चेंज हो जाएगी। फॉर ए प्योर गैस का स्टेट क्या है, फॉर ए प्योर गैस की स्टेट, एक बेहतरीन स्टेट, स्टेट फंक्शन प्योर गैस के लिए कंपोजिशन है, कंपोजिशन, कंपोजिशन इज ए स्टेट फंक्शन, जैसा कि प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इसी तरह कंपोजिशन भी स्टेट फंक्शन है। फॉर ए प्योर गैस द कंपोजिशन इज फिक्स्ड ऑटोमेटिकली। अब इसकी प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम वगैरह भी हैं, जो कहलाएंगे रिमेनिंग स्टेट फंक्शन, वो कहलाएंगे रिमेनिंग स्टेट फंक्शन, द रिमेनिंग स्टेट फंक्शन। द रिमेनिंग स्टेट फंक्शन
जिन्हें हम स्टेट वेरिएबल भी कह सकते हैं। वो प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है। अब प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ये सारे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, और इंटर रिलेटेड हैं कैसे, एक इक्वेशन बनाकर, इनकी एक जैसे किसी की केमिस्ट्री मैच कर जाती है, इनकी आपस में एक इक्वेशन बनी हुई है, कहते हैं हमारी फलां के साथ बड़ी अच्छी इक्वेशन बन गई, तो इनकी आपस में एक इक्वेशन बन जाती है प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की। द रिमेनिंग स्टेट फंक्शन प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर आर इंटर रिलेटेड इन द फॉर्म ऑफ एन अल्जेब्रिक रिलेशनशिप। Called equation of state. The equation of state ये है कि जो ये remaining state function है, बकिया के parameter हैं, pressure, temperature, volume, ये आपस में related हैं एक algebraic relationship से, एक equation बना के, जिसको हम equation of state कहते हैं। अब equation of state, आपने एक बड़ी मशहूर है जमाना equation सुन रखी है, PV is equal to nRT। ये क्या है? ये इक्वेशन ऑफ स्टेट है। इसमें किसी भी सिस्टम की बहुत सी स्टेट फंक्शन नजर आ रहे हैं हमको, उसमें प्रेशर नजर आ रहा है, वॉल्यूम नजर आ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स नजर आ रहा है, टेम्परेचर नजर आ रहा है, और एक कांस्टेंट भी है, क्योंकि जहां पर इक्वेशन में इज इक्वल टू का साइन होता है तो वहां पर मैथमेटिक के अकॉर्डिंग एक कांस्टेंट भी रखा जाता है। Thus, for one mole of a pure gas, the equation of state for one mole of a pure gas, the equation of state is PV is equal to nRT होता है, n one है, तो हमने RT कर दिया। अब ये एक इक्वेशन ऑफ स्टेट है, इन अबव इक्वेशन आर इज गैस कांस्टेंट, इक्वेशन ऑफ स्टेट है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक चीज बढ़ती है दूसरा उससे लिंक्ड है, जैसा कि प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम कम हो जाता है। अच्छा, अब इसमें ये होता है कि यहाँ पर तीन चीजें हैं, PV इज इक्वल टू RT, R है कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, जनरल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं, बकिया तीन है स्टेट वेरिएबल, प्रेशर इज अ स्टेट वेरिएबल, वॉल्यूम इज अ स्टेट वेरिएबल, टेम्परेचर इज अ स्टेट वेरिएबल, यानी ये ऐसी चीजें जो बदली जाती हैं, प्रेशर कम किया जा सकता है, ज्यादा किया जा सकता है, वॉल्यूम भी चेंजेबल है, टेम्परेचर भी चेंजेबल है। अब इसमें अगर तीन वेरिएबल है, अब इसमें एक वेरिएबल फाइंड करना हो, उसका तरीका ये होता है कि बकिया जो वेरिएबल हैं उन्हें थोड़ी देर के लिए फिक्स कर दिया जाए, एक वेरिएबल को फाइंड करने के लिए जो रिमेनिंग टू वेरिएबल्स हैं, जैसे अगर मैंने टेम्परेचर फाइंड करना है तो आर तो पहले से ही कांस्टेंट है, इन दोनों को भी, इनकी वैल्यू भी कांस्टेंट कर दूंगा, यानी अभी चेंज नहीं हो सकेंगे, और उस पर टेम्परेचर फाइंड कर लिया जाएगा, कैसे, कुछ ऐसे। If of the three states variable, इनमें से जो three states variable हैं, if of the three
स्टेट्स वेरिएबल, इफ ऑफ द थ्री स्टेट्स वेरिएबल प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, ये तीन वेरिएबल हैं, इस पे प्रेशर और वॉल्यूम को कर लेते हैं, कोई से भी दो हमने कांस्टेंट कर ले लिए थोड़ी देर के लिए, तीसरे को उनके अकॉर्डिंग हम फाइंड कर सकते हैं। यानी अगर कोई सिस्टम है इसका मैं टेम्परेचर फाइंड करना चाहता हूँ तो ज़रूरी है कि इसका प्रेशर और वॉल्यूम फिक्स किया जाए। अगर इसका प्रेशर चेंज हो रहा होगा, मुसलसल ही चेंज हो रहा होगा, वॉल्यूम मुसलसल ही चेंज हो रहा होगा, तो मैं टेम्परेचर इसका नहीं फाइंड कर सकता हूँ, क्योंकि उसकी तो स्टेट ही बदली जा रही है, मुसलसल बदल रहा है वो, तो उसका टेम्परेचर उसका फाइंड नहीं किया जा सकता। टेम्परेचर फाइंड करने के लिए ज़रूरी है कि उसके बाकी के जो स्टेट वेरिएबल हैं उनको फिक्स किया जाए। ऑफ द थ्री स्टेट्स वेरिएबल प्रेशर एंड टेम्परेचर आर स्पेसिफाइड, इनको हमने मखसूस कर लेना है, इनको स्पेसिफाइड कर लेना है। द वैल्यू ऑफ थर्ड वी इज फिक्स्ड ऑटोमेटिकली वो ऑटोमेटिकली फिक्स है। एंड कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम इक्वेशन ऑफ स्टेट, और इनको इक्वेशन ऑफ स्टेट से कैलकुलेट किया जा सकता है। आपने ऐसे न्यूमेरिकल शायद कभी किए हों कि प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यू गिवन है, टेम्परेचर फाइंड कर लिया, या टेम्परेचर और वॉल्यूम की वैल्यू आपको बता दी गई और प्रेशर फाइंड करने को कह दिया, या टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू आपको दे दी गई और वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो इसमें इक्वेशन ऑफ स्टेट कौन सी वाली इक्वेशन ऑफ स्टेट, ये वाली पी इज इक्वल टू आर टी। इक्वेशन ऑफ स्टेट का मतलब है ऐसी इक्वेशन जो किसी सिस्टम की स्टेट्स बताती है, किसी सिस्टम की स्टेट वेरिएबल बताती है। ये स्टेट का मतलब होता है हालत, किसी सिस्टम की जो हालत देखनी हो तो अभी बेजान सिस्टम है, इसमें तो यही देखा जाएगा कि प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है, टेम्परेचर क्या है। कहते हैं किसी बंदे का हालत देखनी हो तो उसका क्या देखते हैं, उसका प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर तो नहीं देखेंगे, उसके हालात देखते हैं, इस तरह की चीज़ें देखते हैं। तो वो हम उस बंदे की स्टेट जज कर रहे होते हैं, इसी तरह हर इंसान के स्टेट वेरिएबल होते हैं। बिल्कुल सिस्टम के भी स्टेट वेरिएबल हैं जो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर की टर्म्स में हैं। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि जब हमने किसी सिस्टम का कोई एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है तो बकिया जो वेरिएबल है उनको लाजमन कांस्टेंट रखना पड़ता है। द वेरिएबल प्रेशर एंड टेम्परेचर व्हिच must be necessarily, which must be necessarily specified, उनको जरूरी है कि हम उनको specified करें, to define the state of system, किसी system की state को define करने के लिए। अब वो वेरिएबल जिनको हम स्पेसिफाई कर रहे हैं यानी उनको हम मखसूस कर रहे हैं, उनकी कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं, इनको कहते हैं इंडिपेंडेंट स्टेट वेरिएबल, दे आर। ये सारी बातें आपने कहाँ पे लिखनी है, जब अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, स्टेट फंक्शन का कोई क्वेश्चन आता है तो उस पर आपको ये वाले पॉइंट्स लिखने होते हैं। दे आर नॉन एज independent
स्टेट वेरिएबल, उनको इंडिपेंडेंट स्टेट वेरिएबल कहते हैं। जिनको स्पेसिफाई कर लिया वो तो इंडिपेंडेंट स्टेट वेरिएबल है, और वो रिमेनिंग वेरिएबल जो देखें, अब यहाँ पर अगर हमने टेम्परेचर फाइंड करना है तो प्रेशर और वॉल्यूम भी स्पेसिफाई हो गए, तो प्रेशर और वॉल्यूम ये कहलाएंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये स्पेसिफाई हो गए, यानी इनकी वैल्यू असाइन हो गई। अब टेम्परेचर क्या कहलाएगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा, टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। द रिमेनिंग, द रिमेनिंग स्टेट वेरिएबल, द रिमेनिंग स्टेट वेरिएबल, द रिमेनिंग स्टेट वेरिएबल वी विच डिपेंड ऑन द वैल्यू, विच डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ पी एंड टी इज कॉल्ड, जो दूसरे वाला वेरिएबल है जिसको हमने स्पेसिफाई नहीं किया वो डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट स्टेट वेरिएबल कहलाता है, डिपेंडेंट स्टेट वेरिएबल। अब स्टेट फंक्शन की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि जब स्टेट, किसी सिस्टम की स्टेट चेंज होती है तो उसकी जो वेरिएबल्स हैं वो भी, उनकी भी स्टेट चेंज हो जाती है, वो भी कोई इनिशियल वैल्यू आ जाती है और कोई उनकी नई फाइनल वैल्यू आ जाती है। क्या बात हमने कही कि एन इम्पॉर्टेंट characteristics, इसे हम characteristics कहेंगे, an important characteristic of state variable, state variable, state function, यानी state function, state function से ये concept लाएं कि किसी system के कोई state मालूम करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रेशर है, वॉल्यूम है, कंपोजिशन है, ये सारे स्टेट फंक्शन है। एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए स्टेट फंक्शन इज दैट व्हेन व्हेन द स्टेट ऑफ ए सिस्टम, व्हेन द स्टेट ऑफ ए सिस्टम इज चेंज्ड, जब किसी सिस्टम की स्टेट चेंज होती है तो क्या होता है, change in variable, the change in variable depends on the initial and final, on the initial and final states of system. क्या हमने बात लिखी है कि किसी भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए स्टेट फंक्शन, स्टेट वेरिएबल इज दैट व्हेन द स्टेट ऑफ ए सिस्टम इज चेंज, किसी सिस्टम की जब कोई स्टेट चेंज होती है, चेंज इन वेरिएबल डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ ए सिस्टम। इसी चीज की एक एग्जाम्पल लें, एक ग्लास है पानी का, इसका जो इनिशियल टेम्परेचर है वो है 0 डिग्री, फिर हमने इसे हीट किया और इसका फाइनल टेम्परेचर आ गया 25 डिग्री। तो हम आपसे ये पूछें, पहले कोई आपसे ये पूछता है कि इसका टेम्परेचर क्या है, तो आप कहेंगे 0 डिग्री। फिर वो हीट करने के बाद वो पूछता है कि टेम्परेचर क्या है, तो आप कहेंगे 25 डिग्री।
तो वो कहता है चेंज इन टेम्परेचर क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, यानी वो कहता है कि टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस क्या है उसमें। तो आप कहेंगे भी टेम्परेचर डिफरेंस के लिए आप कहेंगे कि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट को डिफरेंस को माइनस करें, तो यानी आपको जरूरी है कि आपको एक इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट दी जाए। लेकिन अगर कोई स्टेट का कॉन्सेप्ट ही नहीं, कोई इनिशियल स्टेट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं एग्जिस्ट करता, तो फिर हम टेम्परेचर डिफरेंस कैसे बताएंगे? या किसी भी चीज में, किसी भी प्रॉपर्टी में डिफरेंस बताने के लिए जरूरी है कि हमें पहले की स्टेट इनिशियल स्टेट और एक बाद की स्टेट फाइनल स्टेट पता होनी चाहिए। तो टी एफ माइनस टी आई 25 माइनस 0 25 डिग्री, तो ये टेम्परेचर डिफरेंस आ गया। अब इसमें एक खास बात यह है कि हमने टेम्परेचर चेंज किया है जिसकी वजह से टेम्परेचर डिफरेंस आया। अब किस तरीके से हमने टेम्परेचर चेंज किया है वो रिजल्ट पे, रिजल्ट उस पर डिपेंड नहीं करता। किस तरीके से हमने टेम्परेचर चेंज किया है उसका रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं है। मसलन मैंने टेम्परेचर चेंज किया 0 से 25 डिग्री, अब मैंने इसको हीट किया तो भी हो सकता है 25 डिग्री आ गया, और इसको सनलाइट में रखा या इसको ओवन में रखा या इसे चूल्हे पे हीट किया या इसे कोई इलेक्ट्रिक हीटर से, किसी भी तरीके से इसने टेम्परेचर चेंज को प्रोड्यूस किया, इसका कोई असर रिजल्ट पे नहीं पड़ेगा। चाहे इसको जिस तरीके से भी टेम्परेचर चेंज करेंगे, रिजल्ट हमेशा अगर 25 है तो 25 ही रहेगा। द वे, ये आखिरी लाइन सुन लें, द वे इन विच टेम्परेचर चेंज इज ब्रॉट अबाउट नो इफेक्ट ऑन रिजल्ट, यानी ऐसा नहीं है कि अगर हीट करूंगा तो टेम्परेचर कोई और तरीके से चेंज हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रिक शॉक देंगे तो टेम्परेचर कुछ और तरीके से चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर चेंज इसमें एक जैसी ही रहेगी। अब इसमें एक दो चीजें और ऐड कर लें, वो अगर आपके पास कोई बी एस पहाल वाली बुक है, एक इंडियन ऑथर की बहुत जबरदस्त बुक है, उसमें मेरे पास जो ऑडिशन है उसका 261 पेज और 262 पेज, 261 पेज और 262 पेज, क्योंकि मैंने मटेरियल में वहाँ से हेल्प ली है। तो नोट्स बनाने के लिए आप, या आपके पास जो कोई भी बुक है आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। मेन मकसद ये है कि आपका टॉपिक क्लियर हो जाए। 261 और 262 पेज के एंड पे है इक्विलिब्रियम एंड नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट आप इसे एक दफा रीड कीजिएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लीजिएगा। तो अभी तक कोर्स आउटलाइन के जो हमने टॉपिक पढ़ चुके हैं वो स्टेट फंक्शन सिस्टम एंड सराउंडिंग पढ़ा है। अभी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वर्क डन एंड चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन, चेंजेस ऑफ इंटरनल एनर्जी ड्यू टू हीट ट्रांसफर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर। इसमें मैंने कल आपको बताया था, इसलिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के, एक तो है कर्नोट साइकिल, ये जरूर जब भी करें इसे जरूर करें। दूसरा इसमें एक है हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटीज ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड कॉन्स्टेंट प्रेशर। एक टॉपिक ये वाला और एक टॉपिक ये वाला, ये इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप आज पेपर में देखेंगे आपको बारहा दिखेगा, और हर ये कोर्स आउटलाइन का एक सबसे तवील चैप्टर है। और कोई आज की जो क्लास है इसमें से आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो वो आप पूछ लें। ठीक, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। हमारी टीम आपको ये नोट्स शेयर कर देगी। अल्लाह हाफिज़।